परवाणु में भाजपा सरकार ने बदले की भावना से कार्य किया, जिसकी मुख्य वजह थी कि परवाणु नगर परिषद में कांग्रेस का अध्यक्ष था। उन्हें असफल करने के लिए भाजपा नेताओं ने कई तरह के हथकंडे अपनाए, विकास कार्यों में रोड़े अटकाकर कांग्रेस समर्थित नगर परिषद को बेहद तंग किया। ये आरोप कांग्रेस महामंत्री विनोद सुल्तानपुरी ने भाजपा पर लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नगर परिषद अध्यक्ष और उनके पार्षदों ने अपनी बुद्धिमत्ता से काम किया है और सभी अड़चनों को सहते हुए भी परमाणु में विकास के कार्य किए, इसलिए उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि एक बार फिर से परमाणु में कांग्रेस काबिज होगी। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री विनोद सुल्तानपुरी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने सत्ता में आते ही परमाणु के विकास पर अंकुश लगाने का असफल प्रयास किया। नगर परिषद परमाणु में यहाँ तक की स्थायी कार्यकारी अधिकारी नहीं दिया गया। विकास के लिए जो पैसा आना था उसे भी रुकवाने का बेहद प्रयास किया। स्थानीय भाजपा नेताओं ने भी विकास के कार्यों में काफी व्यवधान डाले, लेकिन इन सब के बावजूद भी कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुरदास शर्मा और उनकी टीम ने विकास का पहिया परमाणु में थमने नहीं दिया। यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर से परमाणु में नगर परिषद में काबिज होगी। कांग्रेस के हमारे चेयरमैन ठाकुरदास जी रहे हैं और बहुत ही उन्होंने मेहनत करके गवर्नमेंट से ग्रांट्स ला के बहुत डेवलपमेंट की। वहाँ के जो रास्ते थे उसको, जो खस्ता हालत थी उसको बिल्कुल बहुत सुंदर उन्होंने सुधारा। दिक्कत ये आई कि जैसे ही सरकार बदली उसके बाद इसमें जो फंड्स आए हुए थे उसे रोकने में जो भाजपा ने काम किया बहुत दुखद घटना हुई। और वहाँ से जो चेयरमैन हैं या जहाँ से मंत्री जी हैं उनका उसमें कोई सहयोग नहीं रहा, एक भी रुपए का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा और वो वहाँ पे जो हमारी डेवलपमेंट थी वो वहीं पे रुक गई। और उसको किस तरह से मैनेज किया गया, ठाकुरदास जी और सारे जो हमारे कांग्रेस के जो काउंसलर्स थे उन्होंने मेहनत की और जितना बचा खुचा जो फंड था उसे बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने यूटिलाइज़ किया। बट ये अनफॉर्चुनेट है कि किस बदले की भावना से जो सरकार जैसे बदली और वो जो डेवलपमेंट था उसको एकदम इन्होंने विराम लगाया।